सो हेलो, होप आपने मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें हमने फर्स्ट टाइम राफ्टिंग का एक्सपीरियंस लिया। एंड सच में राफ्टिंग, वो भी गंगा रिवर ऋषिकेश में, बहुत ही ज़्यादा ऑसम एक्टिविटी है। सो हमारा राफ्टिंग का एक्सपीरियंस होने के बाद हमने डिस्कस किया हमारी नेक्स्ट लोकेशन के लिए एंड फाइनल किया मसूरी। देन हम निकल गए ऋषिकेश बस स्टैंड के लिए, वहाँ पे हमें देहरादून के लिए बस मिल गई, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट बस नहीं थी मसूरी के लिए। और वहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि आपको देहरादून से मसूरी के लिए टैक्सी या फिर बस मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आप देखेंगे हमारी बस जर्नी टू मसूरी। तो ऋषिकेश से हमारी बस चली थी 5 बजे एंड अराउंड 6:30 हम देहरादून ISBD पहुंच गए। फिर वहां से हमें पता चला कि मसूरी के लिए बस रेलवे स्टेशन के पास एक बस स्टैंड है, वहां से चलती है, जिसकी लास्ट बस की टाइमिंग थी 8 बजे की। देन हमने शेयरिंग ऑटो करके रेलवे स्टेशन के बस स्टैंड में पहुँचे एंड लकीली हम जैसे ही वहाँ पहुँचे हमें मसूरी की बस मिल गई और एग्जैक्ट 7 PM में हमारी बस चल गई मसूरी के लिए। और जैसे ही हम एंटर करने वाले थे हिल्स में, हमारा वेलकम किया वहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं ने। और ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ों में लाइट चमकती हुई, ये है पूरा मसूरी का मॉल रोड वाला एरिया। फाइनली हम पहुंच गए हैं मसूरी। ये है मसूरी का मॉल रोड और वहाँ है देहरादून। तो मसूरी पहुंचने और यहाँ के चिल्ड एयर को एंजॉय करने के बाद हमने ढूंढा अपना होटल और मॉल रोड में ही हमें एक होटल मिला जिसका नाम था होटल ब्राइट स्टार, जिसके रूम्स हमें बहुत अच्छे लगे और इन रूम्स में थी अटैच्ड बालकनी जहाँ से ये व्यू आ रहा था नाइट में। और मॉर्निंग में तो यहाँ पे और भी अच्छा व्यू आ रहा था, जो आप इस वीडियो में आगे ज़रूर देखेंगे। एंड इस होटल का जो टैरिफ था पर नाइट का, वो हमें पड़ा 1000 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन। तो इस होटल में चेक इन करने के बाद फ्रेश होकर एंड डिनर करने के बाद हम निकल गए मॉल रोड में लेट नाइट वॉक करने के लिए।
और ये रास्ता जा रहा है मॉल रोड की तरफ, और ये है होटल्स बहुत सारे यहाँ पर, और ये है हमारा होटल, होटल ब्राइट स्टार।